जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक भर्ती सातवें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की बड़ी खबर टॉप इन्फॉर्मेशन अपडेट पर बात कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर आप लोग देख रहे होंगे, सातवें चरण के लिए रिक्तियों की खोज, जुलाई 2019 से मई 2022 तक की रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। अच्छी खबर है, सभी जिलों के लिए रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं। तो सभी जिलों से रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं कि कितने शिक्षक हैं और कितने रिक्ति हैं। तो ये सभी मांगे जा रहे हैं किस विषय में, बेसिक, स्नातक ग्रेड, तो ये सब किस ग्रेड के शिक्षक हैं ये भी मांगे जा रहे हैं। तो बात कर रहे हैं जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्लास वन से एट के शिक्षक अभ्यर्थी सातवें चरण का इंतजार कर रहे हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं सातवें चरण के, जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। और ऐसे में जो बिहार एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। और ऐसे में जैसे कि आप लोग जानते हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जुलाई के अंत तक पूरी होने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगस्त में रिक्तियों का आकलन किया जाएगा, रिकैलकुलेट होंगे और फिर रोस्टर रोस्टर क्लियरेंस की बातें जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की जाती हैं। जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे, सातवां चरण शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। बिहार एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। और हर हाल में सितंबर महीने में विज्ञापन सातवें चरण का जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। सितंबर में सातवें चरण का विज्ञापन जारी होने की, और आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, जबरदस्त पहल कही जा सकती है शिक्षा विभाग की ओर से। तो विभागीय पत्र इस तरह से जबरदस्त खबर है, सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। सातवें चरण का इंतजार करने वाले सभी सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, और इसके लिए जो विज्ञापन, तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं कि इस साल तक में आने की पूरी संभावना बन रही है सातवें चरण का विज्ञापन सितंबर महीने में। लेकिन खासकर बात करें तो अन्य सभी विषय में, दो विषय जैसे कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय में तो नौकरी पूरी तरह से पक्की ही समझें आप लोग। और इन दो विषयों में भी रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में प्रयास किए जाने की जरूरत है। और ऐसे में रिक्तियों की संख्या यदि बढ़ती है और विद्यालय की संख्या के अनुसार 8000 पद कंप्यूटर साइंस विषय में भी आ सकते हैं, 8000 प्लस पद, तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। और सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी पद सृजित एवं सूचित रखे हुए हैं, 11-12 हज़ार करीब पद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10,000 से अधिक पद तो सीजी स्वीकृत पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा रिटायर भी हुए हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से नौकरी सभी क्वालिफाइड की पक्की हो जाएगी बिहार एसटीईटी में। और आप लोग जानते हैं कि 80,000 क्वालिफाइड हुए हैं, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्वालिफिकेशन ये सब में भी बाहर होंगे, कोटी में गड़बड़ी, तो ये सब कारण थे जिसके कारण से 50 से 60 हज़ार पदों पर ही बहाली एक तरह से कही जा सकती है। 50 से 60 हज़ार शिक्षक ही बन सकते हैं 80,000 में से भी। तो कुल मिलाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी संभव दिखाई दे रही है बिहार एसटीईटी 2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में भी। तो इस तरह से एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।